यहाँ तो कोई एक्सीडेंट हो गया मालूम पड़ता है। ये बेचारा मारुति वाला, और ये बेचारी क्रेन आई थी उठाने के लिए, ये भी पलट गई। रात भर रुक रुक के बारिश हुई है, सड़कें भीगी हैं। जो थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है ये पक्का सर्दी को बढ़ाएगी, ठंड और बढ़ेगी। अच्छा है दिसंबर शुरू हो चुका है, ठंड तो बढ़नी चाहिए, और ऐसे सुहाने मौसम में कहीं बाहर जाना चाहिए। हिमालयन को जब तक अगर नहीं दौड़ाया ऐसे मौसम में तो हिमालयन होना बेकार हो जाएगी। चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। हो गए रेडी और अब निकलते हैं। पेट्रोल है भरा हुआ, चला जाए। 12:27 चलते हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ। मौसम ठंडा है लेकिन जैकेट डाल के मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। इस तरीके से जो लोग गाजियाबाद से जो दिल्ली जाते हैं उनके लिए यही रास्ता है, और रोज उनको यही ट्रैफिक यही सब कुछ झेलना पड़ता है। ये तो फिलहाल अभी हम पीक टाइम पे नहीं है, सुबह यहाँ बहुत जाम लगता है। अभी तो खैर 12:30 बज रहे हैं, तो जो डेली ट्रैफिक है डेली कम्यूटर्स का, उनका ट्रैफिक कम हो चुका है। ये है कूड़े का पहाड़, गाजीपुर के कूड़े का पहाड़। बहुत बदबू आती है यहाँ पर, और यहाँ पर होलसेल की जो नॉनवेज शॉप्स हैं वो भी है। यहाँ पे मंडी है गाजीपुर में, तो वो सब मिली जुली महक कूड़े की, नॉनवेज जो बिकता है मांसाहार उन सब की महक यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक। अच्छा खासा हाईवे बना हुआ है, जिन लोगों को मेरठ से जो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं या जो हापुड़ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, बट कुछ नेता लोग की वजह से वो जाम कर दिया गया है, और कॉमन पब्लिक जैसे हर बार वो बेचारी परेशान होती है। पिछले 1.5 साल से ऐसे ही परेशान हो रही है। कूड़े की बदबू तो मुर्गी की बदबू मछली की बदबू से गुजरना है। मैप फिट कर लेते हैं अपने ट्रिपल नेविगेशन पर, तो उसके लिए हमें रॉयल एनफील्ड का ऐप और रॉयल एनफील्ड के मैप पे इसे हमें बंद करना होगा, एक बार ऑफ करना होगा क्योंकि ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है नेविगेट। और यहाँ पे हम डालेंगे जहाँ हमें जाना है, लियोपर्ड ट्रेल 44 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, गेट डायरेक्शन नेविगेट। इसको ऑन किया, अब ये अपने आप यहाँ पे ब्लू हो जाएगा धीरे से, ये ग्रीन हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे और नेविगेट कर देंगे। जैसे हमने इसको नेविगेट किया ये यहाँ पे शो करने लगता है कि 58 किलोमीटर जाना है हमें, और 20 मीटर के बाद हमें मुड़ना है। इसको बंद करके रखते हैं पॉकेट में, और अब चलेंगे हम लोग आराम से क्योंकि सामने हमारे ट्रिपल नेविगेशन में मैप चल रहा है। कैसा धुंध सा मौसम है, धुंध है, बादल है, पोल्यूशन है, सब कुछ सामने देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। इंडिकेटर दे दे भैया, इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है। दिन के 12:30 बजे भी काफ़ी ट्रैफिक है। एक एक गाड़ी में एक एक आदमी बैठा हुआ है, एक एक गाड़ी में। मतलब अगर हम कैब छोड़ दें, जो टैक्सीज हैं अगर हम वैसे बात करें प्राइवेट नंबर की, तो एक कार में एक इंसान, जितने इंसान उतनी कारें, तो पोल्यूशन क्यों नहीं बढ़ेगा। वो देखो जाम यहाँ से वहाँ तक, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, दिल गदगद हो गया। ये देखो मेरे सामने भी एक कार जा रही है, उसमें भी एक इंसान बैठा हुआ,
इस कार में भी एक इंसान बैठा हुआ। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, हम क्या रेगुलेशन लाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। ओहो, यहाँ तो कोई एक्सीडेंट हो गया मालूम पड़ता है। हे भगवान, ये बेचारा मारुति वाला, और ये बेचारी क्रेन आई थी उठाने के लिए, ये भी पलट गई, ऐसा कैसे। ये है एम्स सामने मेरे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और यहाँ से चक्कर लेते हुए हम लोग मुड़ जाएंगे गुड़गांव की तरफ। ओहो, रोड खराब, बस वाले ने मार दिया ब्रेक। और मैं देख रहा हूँ कि एक एक गाड़ी में मैक्सिमम दो लोग या एक लोग, बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एक ही इंसान बैठा हुआ है, और ये एक चिंता वाली बात है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ती चली जाएंगी। सामने दिख रहा है पहाड़ी जैसा, वही है लेपर। तो लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो तरंग और वेद के साथ में उन्होंने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी थी, पर ऊपर बाइक नहीं ले जा पाए थे, हिम्मत नहीं हो रही थी, पर आज जाएंगे हम ऊपर, और ये चल पड़े ऊपर की तरफ। बड़े बड़े पत्थर, अनफॉर्चुनेटली मेरे एक्शन कैमरा की जो बैटरी है वो डेड हो चुकी है, और जो एक्स्ट्रा बैटरी थी वो मैं लाना भूल गया। कुछ ना कुछ लफड़ा होता ही रहता है। तो बहुत मज़ा आया जिस तरीके से इसके ऊपर चढ़ के आए, और जितना स्मूदली ये चल के आई है ना, जो हिमालयन है, जितना स्मूदली ये इस तरीके के रास्ते पर चली है, माइंड ब्लोइंग। मतलब मुझे लगा नहीं था, मतलब एक प्लेन रास्ते पर चलना और ऊबड़ खाबड़ इतने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर चलना, ऑलमोस्ट एक बराबर जैसा फील हो रहा था। बहुत अच्छा मज़ा आया इस पे चला करके। इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि इसके जो टायर्स हैं वो ट्यूब एंड टायर वाला है, कब कहाँ पंचर हो जाए। अभी अगर जैसे मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे अगर ये गाड़ी अगर पंचर हो जाती है तो कोई मदद नहीं हो सकती यहाँ पर, यही सिर्फ और सिर्फ इसका एक ड्रॉबैक है। बार बार मैं इसके टायर की तरफ देखता हूँ क्योंकि मेरा दिल, एक बार ये पंचर हो चुकी है, अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही पंचर हुई थी। उसके अलावा ये मशीन इज़ द बेस्ट मशीन। तो अगर चारों तरफ देखें यहाँ पे तो पत्थर ही पत्थर हैं, और इन पत्थरों पे ये हिमालयन ऐसी मस्त भाग रही है ना, बहुत सही। यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम बैठे थे जब वेद और तरंग के साथ में आए थे, शानदार नज़ारा दिखता है यहाँ से, लेपर ट्रेल हमारा गुड़गांव, और वो नीचे वहाँ पे सड़क जा रही है, वहाँ से अभी जाना है। ये पूरा ट्रेल ऐसे ही बाइक से भी उतर के जाएंगे, कच्चा कच्चा, बहुत ही आसान लगता है हिमालयन पर सब कुछ। तो बेहतरीन नज़ारे के साथ एक बेहतरीन राइड, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया यहाँ तक आते आते। तो ये जो मौसम का हाल हम देख रहे हैं पीछे की तरफ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा फॉगी, बहुत ही ज़्यादा स्मॉगी हो रखा है। जैसा हमने देखा कि एक कार में एक इंसान और ऐसी अनेकों कारें, तो इस ये एक बहुत बड़ा कारण है पोल्यूशन का। हम क्यों नहीं हम कार पूल करते हैं, क्यों नहीं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, क्यों हम पर पर्सन पर कार, हर इंसान पर एक कार होना क्या ज़रूरी है। और अगर एक इंसान को ही ट्रैवल करना है तो वो बाइक का या पब्लिक कन्वेंस का सहारा क्यों नहीं लेते हैं, उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं। गवर्नमेंट को और हर इंसान को इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए अगर हमें अपने एनवायरनमेंट की चिंता है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, और अब जाना है नोएडा अंकिता के ऑफिस, और फिर वहाँ से आदू को पिक करके फिर जाएंगे घर। तो चलते हैं क्योंकि अभी 2:15 के आसपास हो गया, 2:30 बज रहा है। यहाँ से नोएडा पहुँचते पहुँचते भी हमें लगभग 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि अभी हम हैं गुड़गांव के एक्सट्रीम आउटर पर, और यहाँ से नोएडा समझ ही रहे होंगे जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं, और जो नहीं भी रहते हैं उन्होंने तो सुन ही रखा होगा
टाइम हो रहा है 4:43। तो आ गए वापस घर, आदू को भी पिक कर लिया आदू के मम्मा के कॉलेज से, और अब हम लोग आ चुके हैं घर। क्या कर रहे हो ये? हेलो। ग्लव्स तो नहीं पहन लिए? बाइक चलाओगे? नहीं, रिज्यूम रिज्यूम करोगे? जाओ करो। तो लगभग 12:30 बजे निकल करके और 4:30 बजे वापस आए। इतने समय में मैंने गाज़ियाबाद से निकल करके गुड़गांव, गुड़गांव से निकल करके नोएडा, और वापस अपने घर गाज़ियाबाद पहुंच गए। 4-5 घंटे लगे। ट्रैफिक नो डाउट बहुत ज़्यादा है, मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। जब हम गुड़गांव में थे तो वहां पे थोड़ी थोड़ी धूप थी। जैसे जैसे वापस हम आए, दिल्ली क्रॉस हो रहा था, धीरे धीरे धूप चली गई, और जैसे जैसे गाज़ियाबाद और नोएडा की तरफ हम लोग, वैसे वैसे मौसम इधर आते आते चेंज हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर मेरी बात जो एनवायरनमेंट के ऊपर है, जो कार पूल के ऊपर है, पब्लिक कन्वेंस को यूज़ करने के ऊपर है, पॉल्यूशन को कम से कम हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको ये बातें अच्छी लगें तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम एनवायरनमेंट को, इस मौसम को बचा सकें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।